Good morning, all of you. Ashok Kumar Mishra. Today, I am going to give you the class 4 computer literature class. Question number 1. The dash option is used to search any particular words of the phrase in a document. किसी document में अगर कोई word या phrase अगर search करना होगा, तो हम कौन सा command का इस्तेमाल करेंगे? Option होगा find, search and replace. इसका सही जवाब है find. Second question. The dash option divides the document into two or more columns. कोई documents के लिए कौन सा option जो है दो या दो से ज़्यादा column में divide करेगा? Option है tab, column and head. तो इसका सही जवाब है column. Say third question. The selected text can be shifted from half inch away from the left margin by using the dash button. Option in decrease button, increase button and spacing button. तो इसका सही जवाब है इसका increase in name. Increase in name. Question number 4. Question number 4. The top and bottom. Top and bottom margin of a document. Margin of a document can be changed. Can be changed by किसके द्वारा टॉप एंड बॉटम मार्जिन चेंज किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन है वर्टिकल रूलर, वर्टिकल रूलर बी ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल रूलर, एंड सी ऑप्शन है टॉप टैब स्टॉप. मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट का टॉप का और बॉटम का मार्जिन जो है वो चेंज किया जा सकता है जिसके द्वारा ऑप्शन है वर्टिकल रूलर, हॉरिजॉन्टल रूलर, टैब स्टॉप. इसका सही जवाब है वर्टिकल रूलर. अच्छा, इसके बाद टू मूव द पैराग्राफ इन लाइन, टू मूव अ पैराग्राफ और अ लाइन, कोई भी पैराग्राफ और लाइन को अगर मूव कराना हो तो इसके लिए हम लोग क्या कौन सा फीचर्स का इस्तेमाल करेंगे? टू मूव अ पैराग्राफ और अ लाइन, टू मूव अ पैराग्राफ, कोई पैराग्राफ कहीं लिखा हुआ है या कोई भी लाइन को हम पढ़ाए तो कट रहा है, तो लाइन टू अ एस एफ एस एफ